एक बात हम कहना माननीय मुख्यमंत्री, तो आश्चर्य हुआ है, उधर बोल रहे हैं और इधर से कोई बोले हैं। आप जरा सुन लीजिए कि हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा अगर शराब पीने से, और किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गद्दा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये तो इतनी गंदी बात है, और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। ये कोई तरीका है ऐसा? मुझको तो आश्चर्य होता है, मुझको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई शराब पी गंदा शराब पीने से जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है? अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे, यही तो बात है। ये मेरा कहा हुआ है? कृष्ण भगवान का भी आप लोगों को पता है? जरा पता कर लीजिएगा, जो अपने को समझते हैं। मुस्लिम समुदाय का भी देख लीजिए, धर्म का एक एक चीज आप अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि कोई धर्म मानने वाला भी ठीक नहीं मानता है और कोई सही मायने से करता है। बापू ने क्या कहा था, हम तो कभी कभी देखते हैं अखबार में कोई लिख देता है, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो कहा है एक एक घर में हम पहुंचा दिए हैं। और अब आपको तो हम इतना बार हर जगह बोले, अभी बोल रहा था ये लोग बोलिए, अभी जो हम 12 दिन सब जगह गए हैं और इसका लोग भी जो रहता था तो ही हमारे पक्ष में भाषण दे रहा था वहां, अब राज उल्टा बोल रहा तो क्या मामला हो गया? हम तो लागू किए हुए हैं, तो जो राज कर रहे हैं आज देश में उनके राज्य में भी लागू है, और वहां पर क्या हो रहा आप जरा बताइए। हम लोग तो एक अकेला राज्य है बिहार में जो पूरा मजबूती के साथ शराबबंदी करने की कोशिश कर रहा है, और जहां कहीं भी कोई अधिकारी, आपको मालूम है इतने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और इतने लोगों को डिसमिस किया जा रहा है अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हमने तो कहा है कि भाई कोई गड़बड़ करता है तो असली उसी को पकड़िए। कोई गरीब तबका का आदमी इधर उधर, कोई मान लीजिए कि गरीबी के कारण किसी के काम में लग गया, तो उसको समझाइए कि भाई सरकार पैसा देगी, आप दूसरा काम करिए, इस काम में मत लगिए, असली चीज को पकड़िए। ये हम सबको बता दिए, यही कोशिश करिए। लेकिन भाई ये सोचिएगा, दारू पीने से न मरा जी, दारू पीने से न मरा, जहरीली शराब है ना, तो उसके बारे में हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे? कभी नहीं करना चाहिए। ये लोग कैसे बोल रहा है, काहे सपोर्ट किया था शराबबंदी का? और आपको मालूम है जब हम लोग तो अलग थे, आजकल जो हम लोग साथ हैं उस समय ही हम लोगों ने किया था, और 17 में जब आए थे उस समय हम लोग तो अलग थे, और उस समय प्रधानमंत्री ने क्या भाषण दिया था, कहा कि बड़ा अच्छा काम किया यहां पर बिहार में शराबबंदी लागू किया। अब आजकल देख लीजिए, अब हम अलग हो गए हैं तब इसी पर हंगामा कर रहा है, अब हो गया, अब हालत समझ लीजिए लोगों का क्या हालत हो गया। तो इसलिए तो हम पहले बोल रहा था यहां, तो हम उस समय कुछ बोले, अब आज तो ही बोले, अगर रुकते तो हम और बातें बताते उनको। इसलिए हम खाली यही कहेंगे कि बात को कभी नहीं कहना चाहिए, ये तो गंदी चीज है। अगर शराब मर रहा है तो आप सोच लीजिए, ये तो साबित हो रहा है कि शराब पीना कितना बुरा चीज है। इसको तो और हम लोग खूब प्रचारित करते हैं, देखो मर रहा है, पियोगे मरोगे, तभी तो हम ये कह रहे हैं, पूरा अभियान है। बात समझ लीजिए, कभी ये बात नहीं कहना चाहिए कि शराब होता है, और गरीब गुरबा तबका है उसके लिए हम कितना कर रहे हैं भाई, कितना ज्यादा हम लोग ऑफर दे रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि सब धंधा में मत लगिए, 1,00,000 रुपया आपको देंगे, दूसरा काम करिए, जरूरत पड़ेगा तो सरकार 1,00,000 से भी ज्यादा बढ़ा करके उसको काम करने का मौका देगी, लेकिन करो तो भाई, क्या फालतू काम हो रहा है भाई। तो ये बात तो आश्चर्य की बात है, कोई अपने को गरीब कहे,
ये कोई तरीका है क्या? गरीबों के उत्थान के लिए काम हो रहा है, पहले बच्चों को पढ़ा पाता था, कोई नौकरी करता था, कोई काम करता था, दारू पी के आता था, घर में झगड़ा करता था, और अब जब दारू पीना बंद कर दिया तो घर की स्थिति सुधर गई? तो ये गरीब तबका के लोग का ही तो कहा हुआ भाषण है। अभी भी कुछ लोगों को अगर लग रहा है ये बात बहुत गंदी बात है, वो अपना नुकसान कर रहा है, हम लोग तो सबके हित में काम कर रहे हैं। आज जो बात ही लोग बोल रहा है आजकल, पूरे तौर पर ही लोग बोल रहे हैं, तो इसीलिए तो किसी न किसी को अपने साथ करने के चक्कर में है कि कम से कम ये आ जाए। तो कहीं कौन कहां जाएगा उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन हम लोग तो बताएंगे कि आप बेहतर काम करने के लिए आपको मदद दे रहे हैं, आप अच्छा काम करिए, गंदा काम मत करिए। बुरा काम करने के लिए कोई मतलब है? लेकिन हम एक बात तो कहेंगे, आप ये दुनिया का कोई भी आदमी है, सब आदमी सही हो ही नहीं सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, हर आदमी ठीक नहीं हो सकता है। हाँ, अरे वो तो है ही, तो सब जानते ही हैं। आज जहरीली शराब का बोल रहा है, जरा बताइए बिहार में जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या, जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी और आज भी उसकी संख्या कम है, और दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है, टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहां नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। तो जब अब बात यह है कि यहां जहरीली शराब पी के मरा, तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे, अब उसी को दूसरे रूप में बता रहा है, और तब इस तरह से मरता है तो दूसरा जगह कहां नहीं छापते हो? जब जब तो तुम खो खोले हुए हो, बता वहां, अजा शराबबंदी भी लागू किए वहां का भी हाल है, तो करते तो है नहीं। अब बात करना आप सोच लीजिए, अब तो हम आपको हम बता रहे हैं, अब तो हम एक बार और फिर हर जगह जाकर के हम कहेंगे कि अगर शराब के पक्ष में कोई बोल रहा तो आप याद रखिए, ये कभी आपके हित में नहीं जाएगा, उल्टा काम है। और ये सब बात बताइए, आई लोग तो सबसे ज्यादा ना कर रहा है जी, झगड़ा कराने में लगा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सब में कहीं ना कहीं, और तब भी अपने अधीन किसी को रखे हुए है ना, और कह रहा हमको गाली देना ताकि तुमको मुसलमानवा दे देगा, आ इधर उधर कर रहा सब, तो आप देख न रहे, तो सब जगह जा करके तो एक एक बात को कह देना पड़ेगा, अगर होश में आइएगा, कौन सा काम हो रहा है, कोई विकास का काम हो रहा, इन सब पर चर्चा होती है। आज जिस राज्य में वो एक एक जो गिरा और पुल, आप सोच लीजिए कितने बड़ी संख्या में लोग मरे, एक दिन छपा और इसके बाद कुछ नहीं छपा। अब बताइए ना, यहां जो हुआ था गुजरात में हुआ, तो आप समझ नहीं, यहां जो हुआ था बहुत पहले बंगाल में हुआ, उसका कितना दिन चला, तो इन लोगों का तो हिसाब ही दूसरा, गंदगी होगा दूसरा जगह नहीं छपेगा। अब बिहार में, अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे, तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए, खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है, पिएगा गड़बड़ पिएगा मरेगा, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, हम इससे आग्रह करेंगे। आई कैसे होगा, कम्युनिस्ट पार्टी भी आखिर इसके पक्ष में है, शराब के सख्त खिलाफ है, इसलिए सब चीज का ध्यान रखिए। और आप लोग तो मान लीजिए कि नए हैं, हम लोगों का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है, हम लोग सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, सब का रिश्ता कितना है, हम आपको ऐसे ही बता दें, जब हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे
अब पार्टियां साथ नहीं थी फिर भी सारे सीपीआई सीपीएम के लोग हमको मदद करते थे, इतना ज्यादा हमारा संबंध है आज का जी। तो इसलिए कृपा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, कभी गलत चीज पर मत सोचिएगा। आई जो इनका है सीपीआई एमएल, तो हम लोग के नेता जोश साहब, इतना पुराना रिश्ता, तो कभी जो पुराना संबंध है इसलिए इस बात का ख्याल रखिए, जो हम लोग कह रहे हैं मतलब शराब के खिलाफ है। और कोई गलत शराब का गंदा शराब पी करके मर जाए तो उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका और प्रचार करना चाहिए। गरीब तबके का है तो गरीब तबके में जाके कहना चाहिए इस तरह से मत काम करो, तुमको काम करने के लिए सरकार मदद देना चाह रही है, मदद लो, आगे बढ़ो, ये सब करिएगा तो बहुत अच्छा होगा। हम तो इन लोगों को भी कह रहे हैं, लेकिन माननीय एक सदस्य ने भी कहा इसलिए हम खड़ा होकर बोले, नहीं तो बाकी तो समूचा बोली कहते, इसलिए हम इतना बात कर दिए। इसलिए मेरी बात को मानिए, यही हम आग्रह करेंगे। तो